क्या आप जानते हैं पंछियों का जॉनी लेबर किसे कहा जाता है, या फिर उस आदमी को जिसने 9,22,00,000 रुपए की अपने सोना और हीरा के टॉयलेट सीट बनवाया है, या फिर उस महान इंसान को जिसके कहने पे हमारे तिरंगा में अशोक चक्र लगा है, या फिर वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि राहुल गांधी के नाम पे दर्ज है। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे ट्रेनों में फिल्म शूटिंग का कितना चार्ज लेता है? तो दोस्तों, इन सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहें अंत तक, क्योंकि लास्ट में आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यह जरूर कहेंगे मजा आया। तो चलिए अब हम लोग अपने फैक्ट्स की टूर को स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1, आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि घोड़े की दांतों को गिनकर उसका लिंग का पता लगाया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, तो बहुत ही सिंपल है। अगर घोड़े की 40 दांत है तो वह नर है, और अगर 36 दांत है तो वह मादा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2, ऐसे तो आजकल यूट्यूब पे 100 मिलियन क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि वह कौन सा इंडियन सॉन्ग है जो कि यूट्यूब पर पहली बार 100 मिलियन व्यू को क्रॉस किया था? नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ, वह सॉन्ग तो आप हमें कमेंट बताइए कि क्या आपने कभी इस गाने को एंजॉय किया है या फिर नहीं। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3, आपको यह फैक्ट जानकर अपने मोटा भाई पे गर्व होगा और जियो यूजर सोने का भी। तो चलिए मैं बताता हूँ, जियो दुनिया की अकेली ऐसी कंपनी है जिसमें दुनिया के तीनों टेक जाइंट गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट ने निवेश किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 4, चलिए आज मैं आपको पंछियों की जॉनी लेबर से मिलवाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली यह पंछी जिसका नाम लायर बर्ड है, यह संसार का सबसे सुंदर पंछियों में से एक है। दिखता तो यह ऋतिक रोशन की तरह है, पर इसकी हरकतें जॉनी लेबर वाली है। यह पंछी मिमिक्री करने में बहुत ही आगे है। यह दूसरे पंछियों के गाने, कुत्तों के भौंकने की आवाज तथा कारों के हॉर्न के साथ साथ और भी कई तरह की आवाजों की नकल बड़ी आसानी से कर लेता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 5, आपके हिसाब से दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा होगा? बोटॉक्स। बोटॉक्स को दुनिया का सबसे खतरनाक जहर माना जाता है। इसके जहरीली होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस जहर के केवल 4 ग्राम मात्रा ही पूरी धरती पर मौजूद सभी लोगों को मारने की क्षमता रखता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 6, हर लोगों के शौक अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे ऐसे अतरंगी शौक होते हैं कि हमें मजबूरन वीडियो बनाना पड़ता है। जरा इस महाशय के शौक को सुन लीजिए। यह हांगकांग की एक ज्वेलरी ब्रांड कोरोनेट के मालिक है जिसका नाम अरोन शुभ है। इन्होंने एक बेमिसाल टॉयलेट सीट बनवाई है जिसकी कीमत भारतीय रुपए में लगभग 9,22,00,000 रुपए है। सोने से बनी इस टॉयलेट सीट में कुल 334.68 कैरेट के 40,815 हीरे जड़े हुए हैं। वार ए शौक, सोना तो सोना, उसमें 40,000 हीरे भी जड़वा दिए भाई साहब ने। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 7, अरे भाई जब आई से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात हो ही रही है, तब आप हमें आई से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम रोज रोज 5 से 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पोस्ट करते रहते हैं, डेली क्यूज भी कराते हैं और आपके क्वेश्चंस को भी पिक करते हैं। सो गाइज, गो एंड फॉलो ज्ञानी पापा ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आपको तो पता ही है कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप कितने ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने एक युद्ध में एक ही बार में दुश्मन के साथ साथ उसके घोड़े को भी बीच से चीर दिया था। उन्हें भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अकबर को महाराणा प्रताप का इतना बड़ा डर था कि सपने में भी महाराणा प्रताप ही उन्हें दिखाई देते थे। सोचिए वो कितने ताकतवर थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 8, हमारे भारतीय झंडा का शान अशोक चक्र, जिसे कर्तव्य का पहिया या फिर धर्म चक्र भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है भारत के झंडे में अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो भारत के झंडे में अशोक चक्र लगवाने वाले वह महान पुरुष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी की इच्छा थी चरखा लगवाने की। तो बोलो जय भीम। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में तलाक दर दुनिया भर में सबसे कम है, लेकिन क्या आपको मालूम है भारत में सबसे महंगा तलाक किसका हुआ है? तो भारत में सबसे महंगा तलाक ऋतिक रोशन और सुजैन खान का हुआ था, जिसमें ऋतिक रोशन ने अपने पूर्व पत्नी सुजैन खान को तलाक के लिए 380 करोड़ रुपए दिए थे। तो आप हमें बताइए कि विश्व का सबसे महंगा तलाक किसका हुआ है? इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 10, आप आइजैक न्यूटन को तो जानते ही हैं, जिसके सर पे सेव गिरा तो वो ग्रेविटेशन के खोज कर दिए, जिससे बेचारे मासूम स्टूडेंट्स की सिलेबस बढ़ गई। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा दांत भी आइजैक न्यूटन का ही है? साल 1816 में
उनके दांत को $3,633 में बेचा गया था, जिसकी कीमत आज करीब $36,000 के बराबर है। काश न्यूटन इन्हीं दांतों से उस सेब को खा गए होते। क्या आप हमें बता सकते हैं कि दुनिया में पानी के अलावा सबसे ज्यादा पीने जाने वाला लिक्विड कौन सा है? तो लिक्विड है चाय। जी हाँ दोस्तों, यह वही चाय है जिसकी चुस्कियों के साथ लोगों के दिन की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि चाय को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? जरा ध्यान से सुनिएगा। चाय को शुद्ध हिंदी में दुग्ध जल मिश्रित संकरा युक्त पर्वतीय बूटी कहते हैं। क्या बोला तूने? दुग्ध जल मिश्रित संकरा युक्त पर्वतीय बूटी। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 12। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से पीएम बनाए जाए तो मोदी और राहुल गांधी के बीच राहुल गांधी को यह कुर्सी मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है। एक बार राहुल गांधी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने 5 सालों में 27 चुनाव हारे थे, जो कि सबसे ज्यादा थे। तो राहुल बाबा, कैसा लगा चुनाव हार के? मजा आया। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 13। माइकल जैक्सन इतना ज्यादा फेमस थे कि उनके मृत्यु के कितने साल हो गए, फिर भी लोग आज भी उन्हें बहुत याद करते हैं। और तो और, माइकल जैक्सन को अब तक सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं। इतना ही नहीं, उनके नाम पर 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब माइकल जैक्सन की मौत की खबर मीडिया में फैली तो उस समय माइकल जैक्सन को हर मिनट ट्विटर पर 5,000 बार मेंशन किया जाता था, जबकि उस समय ट्विटर का उतना ज्यादा ट्रेंड भी नहीं था दोस्तों। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 14। आप तो अंडरटेकर कुछ जानते ही हैं। उन्हें WWE का सबसे फेमस और सबसे खतरनाक फाइटर माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडरटेकर ने December 1991 से September 1993 तक बिना किसी मैच हारे 3 बार हैवी वेट चैंपियनशिप जीती थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम फैक्ट की तरफ। क्या आपको मालूम है कि ट्रेनों में शूटिंग के लिए भारतीय रेलवे कितना चार्ज करती है? नहीं ना, तो मैं बता दूं, ट्रेनों में फिल्मों की शूटिंग के लिए भारतीय रेलवे लगभग 4.75 लाख रुपए प्रतिदिन चार्ज करती है। इसके अलावा फिल्म निर्माताओं से कम 200 किलोमीटर प्रतिदिन का किराया भी रेलवे को देना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो। तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए याद रखना ज्ञानी पापा यूट्यूब चैनल। थैंक्स। और हाँ, अगर आप अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो अभी जाकर करें। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर। Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear.